बाइट अच्छा वहाँ से वो बोल्ड वाइस में आपका खैर मकदम है। अगर देखा जाए आज नौ मुहर्रम है तो आज जो है जलसा निकाला जाता है डलों के बीच बीच में, क्योंकि अगर बताया जा रहा है कि ये हमारे जो पैगंबर जो हजरत है उन्होंने भी नावों का सहारा लिया था, तो इसी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए डल के बीचों बीच नाव से जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद हसनाबाद जाएंगे यहाँ से वहाँ पर जलसे के तौर पर। तो मज़ीद हम आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तारिक अहमद पटलू है, मैं एक हाउस बोट ऑनर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैंने एक एम्बुलेंस बनाई है। आज यहाँ पे नौवां मुहर्रम है तो उसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जो शिया बरादरी हमारी है इनके साथ शाना बाशाना इस जुलूस के साथ में आया हूँ इनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि इनको जो बोट चलाने हैं इसके आगे उनको मोटर भी चाहिए, वो मोटर मैं प्रोवाइड करता हूँ कुछ बोटों को। और जो भी यहाँ पे मैंने अपने साथ फर्स्ट एड भी लाया है, अगर किसी को खुदा न खासा कोई किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास वो सब कुछ है अपने तौर पर। आपको इसमें सरकार का यहाँ नहीं मेरे, आप देखिए यहाँ पे एक और एम्बुलेंस है वो यहाँ पे है, फुली इक्विप्ड है, मगर वो यहाँ नहीं आई है। मैंने अपनी बोट अपना रेस्क्यू बोट यहाँ लाया, मेरे साथ कुछ बंदे और भी हैं, तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, ये अपनी भाई है यहाँ पे, मैं भी डल लेक में रहता हूँ, तो इनके साथ शाना बशाना आया हूँ यहाँ पे एक यूनिटी को दिखाने के लिए कि हम एक हैं। यहाँ पे कोई नशिया है न सुनी है, वी आर अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं पहले फिर जाके हम जो भी हैं, बट ये हमारे भाई है यहाँ पे, हम आए यहाँ पे जैसे भी इनकी कोई भी अगर इनको किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो हम यहाँ पे उनको सॉल्व करने के लिए। हम ये एक यूनिटी हमें रहना है, हमें यूनिटी के साथ रहना है, सबको शिया सुनी सबको बरादरी को एक जैसा रहना है हमें, सो वी हैव टू हेल्प ईच अदर। यकीनन ये जो जुलूस आज़ाद है ये कोई दहशतगर्द का जुलूस नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस कुरान जुलूस है। पैगाम भी यही है कि आज़ादार बाकिरदार, यकीनन जब हमारे आज़ादारों को एक गैर मुस्लिम देखता है तो ये कहता है कि किसके मानने वाले हैं, हमारे आज़ादारों का वैसा किरदार है वैसा गुफ्तार है। यकीनन हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का भी वही पैगाम है जिस पे हम अमल कर रहे हैं। देखिए अजीज़, हम कहेंगे जुलूस है या हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के जुलूस है, हुसैन अलैहिस्सलाम न कि एक सिर्फ शियाओं के हैं बल्कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के इमाम हैं। तो यूनिटी के बारे में क्या कहेंगे आप, अभी यूनिटी देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में और यूनिटी देखने को मिल सकती है? बेहतरीन कौम बेदार हो रही है, एजुकेशन आ रही है, सब पढ़ रहे हैं। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे तो क्यों हुए थे, यकीनन वो बाहर आ रहा है कि हुसैन क्यों शहीद हुए थे, पैगाम क्या था हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का, वो मोमिनीन के दिलों में हो रहा है और मोमिनीन जान रहे हैं कि हुसैन का पैगाम क्या था, वही आज़ादारों में दिखाई दे रहा है। जी पैगाम क्या रहेगा? मेरा पैगाम यही रहेगा आज़ादारों को कि जैसे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पैगाम दे रहे हैं कि हमारा किरदार गुफ्तार वैसा होना चाहिए कि जो गैर मुस्लिम हो या बाकी मानने वाले हो मज़हब के मुतासिर हो कि किसका मानने वाला है। यकीनन हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का मानना है, वैसा किरदार बनाए इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल सब आज़ादारों को सलाम। Thank you.
रहीम काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन। देखिए ये जुलूस चलते रहेंगे, आज़ादारी चलते रहेगी, हर जगह जुलूस मुनक़द हो रहे हैं और ये सबसे यूनिक है क्योंकि ये कश्तियों में जाते हैं और ये कश्ती जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कश्ती नूह की तरह है और ये भी एक पैगाम है यहाँ से जो जाता है और पारी आलमी इंसानियत के लिए। ये भी पिछले साल भी जब ये चला था बहुत सारी कंट्रियों ने इसको अपने पेज में डाला था क्योंकि ये बहुत ही अच्छे खूबसूरती से जाता है और अमन वाला, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत का दूसरा रूप है, इंसानियत का दूसरा नाम है। जहाँ भी इस वक्त जुल्म और बर्बर से लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, मजलूमिन परेशान हैं, उनको चाहे कि हुसैन अलैहिस्सलाम से किरदार को अपनाए तभी वो नजात मिलेगी उनको। जैसे देखा गया कि डार्कस ने भी अपने लिटरेचर में लिखा है, नेल्सन मंडेला भी लिख रहा है और महात्मा गांधी भी अपने लिटरेचर में लिख रहा है कि हुसैन जमीर का जिंदा, जिसका जमीर जिंदा होगा उसी हुसैन, क्योंकि इसमें कोई मकतब फिक्र इसका कोई नहीं है कि हम उसकी किसी मकतब फिक्र पर रखते हैं, नहीं, क्योंकि ये मजलूमिन के लिए इंसानियत के लिए और ये जुलूस हमेशा ये पैगाम जाता है इसे जो इधर का ये महला है इधर से जाके रहने वाली कांटमाला से रहने वाली यह इख्तिताम होता है और हमेशा होता रहा है और मुझे भी उम्र हो गई देखते हुए और बहुत ही अच्छा पैगाम देती है आज़ादार कि देखो हुसैन अलैहिस्सलाम हर मकतब फिक्र में है और हर जगह है, चाहे किसी भी मकतब से कोई ताल्लुक रखता हो। ए हुसैन अगर आप देखने तकद्दस चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मयार चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इंसाफ चाहते हो, जिंदगी को जीना चाहते हो तो हुसैन के आलम को थामना पड़ेगा। ये हुसैन इसे कोई दूर नहीं है, इसे सारी इंसानियत नज़दीक है। अरे लोगों सोचो और देखो हुसैन ने किस तरह 6 महीने के बच्चे को भी इसमें शहादत दे दी जो अली अजहर के नाम से, और 6 महीने के बच्चे यजीदी पलीर चाहता था कि मैं इस जंग को दूसरी रोल में ले जाऊं कि जंग दो बादशाहों के दरमियान था, लेकिन अली अजहर की शहादत 6 महीने जो अली अजहर की शहादत ने इतना बड़ा तमाचा लाया, ये तो इनको यजीद मलून को इतना बड़ा तमाचा आया तो कयामत याद रहा कि ये एक बड़ी शहादत बन गई, 6 महीने की बच्चे की शहादत एक बड़ी शहादत बन गई। यही पैगाम है लोगों, देखो इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत और पिट रहे हो सब इंसानियत पिट रही है और ये वो हुसैन है जो कश्ती नूह की तरह आपको नजात मिलेगी। यही पैगाम भी आज़ादार इस वक्त दे रहे हैं और ये कश्तियों पर दे रहे हैं और किस तरह ये एक डिसिप्लिन से जाते हैं और ये जो भी ये दुनिया जो भी ये देखते हैं इस आलम को देखते हैं वो खुद ही समझते हैं कि अमन वाला जुलूस है, पीस का जुलूस है और शांति का जुलूस है। इसी माध्यम से यही पैगाम है आपके माध्यम से देना चाहूँगा, ए इंसानियत रखने वालों हुसैन को पहचानो, हुसैन ने किस तरह कुर्बानी दी है और किस तरह अपनी जो कुर्बानियाँ दी है आप मजलूमिन के लिए, लाचारों के लिए, जो भी इंसानियत रखता हो उनके लिए दी है। देखो ये हुसैन ये जुलूस बंद करना इंसाफ के इंसानियत को ख़त्म करना जैसा है, यही एक अच्छा पैगाम है आज के जो दौर में मुसीबत आ रही है। अगर हमने इसके किरदार को अपनाया तो हम इस मुसीबत और जुल्म और बर्बरियत से निजात मिलेगी हमें। अस्सलाम वालेकुम।